डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट आईसीटी में नंबर सिस्टम कन्वर्जन हैश टू, यानी कि दोस्तों पहले हमने बात की थी कि बाइनरी से हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से और डेसिमल में, लेकिन अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम उल्टा करेंगे इसका। डेसिमल का हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, फिर डेसिमल को ऑक्टल में और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर 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 देखें दोस्तों, क्योंकि वो वीडियो देखे बिना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और इसमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर, वो सभी क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें उनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजीनेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों ये नंबर सिस्टम समझने से पहले थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। वैसे तो हमने कल वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया था बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। बाइनरी जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर जीरो और वन यूनिट होती है, और ऑक्टल के अंदर हम बात करें तो जीरो से लेकर सेवन तक होती है, और टोटल इसके अंदर कितनी डिजिट होती हैं, टोटल एट होती हैं, और बेस कितना होता है, एट होता है। बाइनरी के अंदर बेस कितना होता है, टू होता है, और डिजिट कितनी, जीरो और वन, यानी कि टोटल टू होती है। डेसिमल की अगर हम बात करें तो टोटल यूनिट जो होती है, डिजिट्स जो होती है हमारी, टेन होती है, बेस टेन होता है, और इसकी जो डिजिट्स है जीरो से लेकर नाइन तक होती है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो दोस्तों इसमें जीरो से लेकर नाइन तक और ए से लेकर एफ तक होता है, और ए का क्या होता है दोस्तों, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, इस तरीके से हम ये करते हैं। एफ की वैल्यू 15 होती है और ए की वैल्यू हमारे पास 10 होती है। इस तरह से हमने ये कल चीज़ें आपको बताई थी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ पाएगी। तो चलिए दोस्तों, जिन दोस्तों ने पहले वीडियो देखी है, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर एक, डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्ज़ाम में भी आए हैं, वो मैं सभी आपको दिखाऊंगा। पहले हम इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डेसिमल नंबर 13 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको किस तरह से करेंगे, इसको हम एक एक स्टेप के ज़रिए समझते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर एक है दोस्तों, स्टेप नंबर एक में क्या होता है, 13 जो हमारी ये डिजिट है इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका देख लीजिए किस तरह से हम करते हैं उसको डिवाइड, जिस तरीके से हम एलसीएम वगैरह लेते हैं थोड़ा थोड़ा वैसे ही इसको करना है। ये देखिए, और दो से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्यों दो से क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। दो से डिवाइड इसलिए करेंगे बाइनरी में, और बाइनरी का बेस कितना होता है, टू होता है हमारे पास। अब देखिए दो से इसको डिवाइड करेंगे तो दो छिक्के 12, और यहाँ पे कितना रह गया, शेष एक रह गया। जितने पे ये जा रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो शेष रहता है, कैरी रहता है, वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब देखिए नंबर एक ये हो गया, ये स्टेप हो गया। उसके बाद में हम इसको जो 6 बच गया इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे आगे। अब देखिए इसको 6 को दोबारा करेंगे तो ये कितने पे जा रहा है, 2 × 6, और यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास, कैरी 0 रह गया। लेकिन अब ये देखिए 3 है, 3 और भी तो डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो 2 × 1 = 2, और यहाँ पे कैरी कितना रह गया हमारे पास, 1 रह गया। और ये देखिए यहाँ पे 2 × 1 = 2, और यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास, 1 रह गया।
ठीक है। अब ये एक जो है एक फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि जहाँ तक डिवाइड होगा उसको हम वहाँ तक डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जिस जिस पे डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 6 12, 2 3 6, 2 1 कम 2, इस तरह से जो जिस जिस पे डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे, और जो कैरी बच रहा है हमारे पास, शेष जो बच रहा है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा शेष जो बचा है, कैरी जो बचा है, उनको हम उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि नीचे से लेके ऊपर उनको लिखेंगे। सबसे पहले 1 1 0 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, 1 1 और 0 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे डेसिमल नंबर दिया हुआ होता है, स्टेप नंबर एक में क्या करते हैं कि उसको जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 2 6 12, 6 पे चला गया, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, कैरी रह गया। यहाँ पे हम जो कैरी बच रहा है, शेष बच रहा है वो लिखेंगे, और यहाँ पे जिससे वो डिवाइड हो रहा है वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब देखिए 2 6 12, कैरी 1 रह गया, फिर 2 3 6, और कैरी कितना रह गया, 0 रह गया। और अब ये देखिए 3 है, ये भी तो डिवाइड हो रहा है, 2 1 कम 2, और यहाँ पे कैरी कितना रह गया, 1 हमारे पास कैरी रह गया। अब हम इसको, अब ये देखिए ये 1 आ गया हमारे पास, अब 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ तक इसकी पोजीशन लास्ट आ गई। अब इसको हम नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे। इसके अंदर 1 1 0 1 1 1 0 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा डेसिमल नंबर 13 कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1101 बेस। तो दोस्तों कितना आसान, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल जवाब है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है कि डेसिमल नंबर 593 को ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 593 को ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ये ऑक्टल है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, बेस हमें पता होना चाहिए, 8 बेस होता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 8 से डिवाइड करेंगे। 593 हमने यहाँ पे लिख लिया, और डिवाइड किससे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अब हमें ये देखना दोस्तों, 593 8 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कितने पे काउंटिंग जाती है, कहाँ तक टेबल जाती है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब हम 8 को 74 से मल्टीप्लाई करते तो 592 आता है, 592 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 74 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 कैरी यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, ये हमने 1 कैरी लिख लिया। अब आगे क्या स्टेप आता है दोस्तों, ये 74 है ना, अब हमें इसको भी डिवाइड करना है, 8 से ही डिवाइड करना है। अब देखिए ये आ गया, अब आपको पता है 8 9 72, 8 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। ये हमने 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, कैरी 2 आ गया। अब देखिए 9 है, 9 को फर्दर हम आगे से डिवाइड, आगे फिर डिवाइड कर सकते हैं, 8 1 कम 8 आ गया, तो यहाँ पर क्या रह जाए हमारे पास, 1 शेष रह जाएगा। ठीक है, और अब ये देखिए ये 1 बच गया, अब 1 को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते 8 से। ठीक है, तो यहीं तक हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, इसको नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे, यानी कि 1 1 2 1 हमारा आंसर आ जाएगा, 1 1 2 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को इस तरह से निकाल सकते हैं। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, 593 है, इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, क्योंकि 8 बेस है, ऑक्टल 8 बेस होता है। 8 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 74 पे जाएगी ये टेबल, 74 पे जाएगी, तो यहाँ पे कैरी हमारे पास 1 रह जाएगा। 74 को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 9 से, 8 9 72, और यहाँ पे कैरी रह जाएगा 2। और फिर अब 8 9 को फिर से डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 कम 8, 1 रह गया, 1 रह गया। और अब हम इसको नीचे से ऊपर तक लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 1 1 2 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसान है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास है दोस्तों डेसिमल नंबर 2761 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2761 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब नंबर एक दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ आती है कि हेक्साडेसिमल का हमें बेस पता होना चाहिए, बेस कितना है, बेस हमारे पास 16 है, इसे भी डिवाइड करना है दोस्तों।
और डिवाइड करने का तरीका वही रहेगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। स्टेप नंबर एक के अंदर 2761 है, इसको 16 से डिवाइड करेंगे। 2761 हम देखेंगे कि ये किस टेबल पे जा रहा है, कितने तक जा रहा है, कितने पे मल्टीप्लाई करने पे ये इसके आसपास जा रहा है। जब हम 16 को 172 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2752 आता है, और ये किसके करीब है दोस्तों, ये 2761 के करीब है। इससे ज़्यादा अगर हम करते तो इससे ज़्यादा वैल्यू चली जाएगी। तो दोस्तों इसको 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 172 से तो हमारे पास कैरी कितना रह जाएगा, हमारे पास कैरी रह जाएगा 9 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना गया 2752 आ गया, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है हमारे पास 2761 है। 2761 में से 2752 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब देखिए आगे का स्टेप क्या है। अब ये जो 172 है, अब इसे देखना है कि ये कितने पे डिवाइड हो रहा है 16 से। अब 16 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा हमारे पास, और 160 जब हम माइनस करेंगे 172 में से हमारे पास कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और दूसरा ये है दोस्तों, दूसरा क्या रह गया हमारे पास 10 रह गया। अब देखिए 10 को और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आंसर आ जाएगा 10 12 9, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं 10 12 9 हमारा आंसर आ गया, 10 12 9। अब बात आती है दोस्तों, हमें इससे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया था, ये आप एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 के इक्वल होती है, बी की 11, सी 12, डी 13, ई 14, एफ 15, ठीक है। तो ई की वैल्यू सॉरी 9 की वैल्यू 9 होगी, और 12 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी के इक्वल होती है, 10 की वैल्यू ए के इक्वल होती है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए सी 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा जो डेसिमल नंबर है 2761 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो AC9 हमारा हेक्साडेसिमल में आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत ज़रूर है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। ये देखिए हमारा जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर इन्होंने पूछा हुआ है दशमलव संख्या 35 का द्विआधारी समतुल्य क्या है, और इसको इंग्लिश में देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 35। अब देखिए 35 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसका कैसे करेंगे, 35 को 35 को डिवाइड किससे करेंगे बताइए, किससे करेंगे, दो से करेंगे ना, अभी तो बताया था दो से डिवाइड करेंगे, तो दो से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा, 17 दूनी 34, 17 पे गया, यहाँ पे कैरी कितना रह गया हमारे पास, एक रह गया, फिर दो से फिर डिवाइड करेंगे, 2 8 16, और हमारे पास कितना कैरी रह जाएगा, एक रह जाएगा, और इसको फिर से दो से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, कैरी 0 रह जाएगा, वेरी गुड। अब देखिए अब इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 दुनी, ये देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 दुनी 4, और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, 0 रह जाएगा। अब देखिए इसको 2 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एकम 2 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 0 कैरी रह जाएगा। अब देखिए ये 1 आ गया, 1 को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर हम नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 000, 1 000, 1 2 3 000, और 11, 1 000, 1। अब ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ये आंसर देखते हैं हमारे ऑप्शन कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए दोस्तों 1 000 और 11, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हमने ये क्वेश्चन किया, और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ आप करके देखना। देखिए हमारे ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे, तो आप इन सभी क्वेश्चन को करके देखना। ये देखिए ये निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब 17 को हमें ये बताना है कि कौन सा सही है, ये सी सही है या डी सही है। आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे डी सही है, लेकिन किस तरह से ये आएगा वो हमें देखना ज़रूरी है दोस्तों। तो 17 को आप डिवाइड करके देखना क्या आंसर आ रहा है, वो हमें
बताना आपको आया है या नहीं आया, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप ये नोट्स लेना चाहें तो सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स ले सकते हैं। और दोस्तों हमने 2012 से लेकर 2020 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च के अलग, कम्युनिकेशन के अलग, और जो भी ICT है वो अलग है। सभी यूनिट के क्वेश्चन अलग अलग किए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर लेना चाहें तो ये भी हमसे ले सकते हैं। आप हमारी ऐप निमिज नेट जरूर डाउनलोड करना, उसके अंदर आपको सभी नोट्स, वीडियोस और क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और DI के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो GRF है।